नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्य में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। लिटिल मून पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी पठानिया कुछ बोलना चाहती हूँ। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम शिक्षा में कई चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और पेरेंट्स का सपोर्ट, लेकिन इसमें मोबाइल को बिल्कुल दूर रखना चाहिए बच्चों से। सिर्फ उसको शिक्षा के रूप में ही यूज किया जाए तो अच्छा है, मेरे हिसाब से सभी हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ये चीज़ें बच्चों को अवेयर करने के लिए उनको पहले तो अवेयर करते ही नहीं हैं, उनके हाथों में वो चीज़ें सौंप देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मोबाइल हो गया, उसमें नेट यूज़ कर रहे हैं बच्चे, हमने उनको बोला कि पढ़ाई के लिए यूज़ करना है और वो उसको पढ़ाई को छोड़ के कभी गेम, कभी उसमें दूसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें उसमें देखते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग भटकता है, उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन छूट जाती है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते, किसी से मेल मिलाप नहीं रखते, अपना अकेले रहना पसंद करते हैं और उन्हें फैमिली के अंदर मिक्सअप होना भी पसंद नहीं रहता। करना चाहिए, सिख से करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़रूरत से पहले ही और ज़रूरत से ज़्यादा ही मैच्योर होने लग गए हैं, बड़े होने लग गए हैं, उन्हें जल्दी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने लिए किस तरह से उनके लिए अच्छा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए ये चीज़ पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई मेरे हिसाब से अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में और सेल्फली करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें टीचर्स तो सपोर्ट करते ही हैं, अगर पेरेंट्स भी उन्हें कोऑपरेट करें, घर में उनको सपोर्ट करें, तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।